महिलाओं के साथ होने वाले भेदभाव एवं उत्पीड़न के खिलाफ राजकीय इंटर कॉलेज रुद्रप्रयाग की छात्र छात्राओं ने जागरूकता रैली निकाली। इस दौरान छात्र छात्राओं ने लैंगिक भेदभाव के विरोध में नारे लगाए, साथ ही महिलाओं को उनके अधिकारों की जानकारी भी दी। बता दें कि ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार की पहल के अंतर्गत जनपद रुद्रप्रयाग में जिला मिशन प्रबंध इकाई के तत्वाधान में 25 नवम्बर से 23 नवम्बर 2022 तक लैंगिक भेदभाव के विरोध में इसी प्रकार अभियान चलाया जाएगा। वहीं परियोजना निदेशक रमेश चंद ने पूरे अभियान की जानकारी छात्र छात्राओं को देते हुए बताया कि ग्रामीण विकास मंत्रालय की ओर से देश भर में महिलाओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करने एवं लैंगिक भेदभाव को दूर करने के लिए ये अभियान चलाया जा रहा है। उन्होंने छात्र छात्राओं को संबोधित करते हुए समाज एवं सक्रिय होकर मंच पर आवाज उठाने की अपील की और साथ ही कहा कि स्कूलों में पढ़ाई कर रहे छात्रों छात्र आने वाले समय पर समाज की कमान वो लोग संभालेंगे और अगर अभी से उनकी आदत इस व्यवहार में ढाली जाती है तो आगे चलकर निश्चित रूप से इसमें बड़ी सफलता मिलेगी। रुद्रप्रयाग से सत्यपाल नेगी की रिपोर्ट। आज से शुरुआत है इसकी, बताए जिस मुद्दे के चलेगा इसका मेन उद्देश्य यही है, जेंडर इक्वलिटी की बात हम करेंगे और इसका प्रचार प्रसार पूरे जनपद में करेंगे। ये सब उनके महत्वपूर्ण योजना भी है और क्योंकि जैसे कि हम जानते हैं कि जो हमारा USRLM जो महिलाओं को लेके उनकी आज उनको आगे बढ़ाने के संदर्भ में गए, इकोनॉमिकली गए, सोशली गए, किसी भी रूप में गए, वो आगे बढ़ाने का काम करता ही करता है। तो आज ये जो राष्ट्रीय कैंपेन एक प्रकार से हमारा जेंडर इक्वलिटी के संबंध में है, तो आज इसकी शुरुआत हम इंटर कॉलेज से कर रहे हैं।